हुआ सम्मान बेटो बहुत हुआ सम्मान बहुत हुआ सम्मान बहुत हुआ सम्मान बेटो बहुत हुआ सम्मान बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है ना मजा? अरे भाई, जब पेट्रोल और डीजल के रेट खपाखप रोज बढ़ रहे हो तो मजा आना स्वाभाविक है। देखो, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर है, ये कोरोना और ये चाइना वाइना कमाल बहिष्कार, लेकिन मजा अपनी जगह पर है, मजा आते रहना चाहिए। खैर, एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट जो रोज बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं पता है आपको? नहीं पता? मैं बताता हूँ, नेहरू जी की वजह से। जब मैं नेहरू जी का नाम लेता हूँ तो तुम लोग यार मजाक समझते हो, और यही जब हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो आप लोग बड़ा सीरियसली ले लेते हो। देखिए, सुनिए, मैं पूरे लॉजिक के साथ बात करता हूँ, कोई चमचा वमचा नहीं हूँ मैं, मैं पक्का वाला अंधभक्त हूँ, मतलब लॉजिक के साथ बात करता हूँ। देखिए, पूरे देश को मालूम है, सबको मालूम है कि नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश की कितनी छीछालेतर क्या क्या किया। मतलब कुल मिला के नेहरू जी ने अपने टाइम पे इतना पेट्रोल मूता कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, और जब पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई तो भैया मौजूदा सरकार को यानी कि मोदी जी को रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आया समझ में ना? अगर नेहरू जी ने इतना पेट्रोल नहीं मूता होता तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पेट्रोल बाबा रामदेव के भाव से मिलना होता, मतलब 35 रुपए लीटर। अच्छा, मोदी जी ने अच्छा काम किया, उसमें चमचों को आग लग जाती है, जल जाते हैं लोग। मोदी जी ने क्या किया? पेट्रोल के रेट बढ़ाए, डीजल को भी बढ़ाए, डीजल के रेट पेट्रोल से ज्यादा बढ़ा दिए, मतलब डीजल को इज्जत दिलाई, रेस्पेक्ट दिलाया, समाज में एक अच्छा गौरव दिलाया। आजादी के बाद से अभी तक डीजल की क्या हालत थी? बेचारा दबा कुचला सहमा कहां नीचे बैठा हुआ था, अब कम से कम पेट्रोल से ऊपर निकल करके शान की जिंदगी जी सकता है। पहले मतलब क्या इज्जत थी डीजल की, सोचो, लोग पीपे में भर भर के ले जाते थे और जनरेटर चलाते थे, ये इज्जत थी। अब गाड़ी चला के दिखाओ, मतलब मोदी जी ने देखो अपने लेवल पे बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, ठीक है, नहीं की, मतलब इतने शौचालय बनवा दिए। अब मजा ले कोई इधर उधर पेट्रोल मूत दे, पेट्रोल मूतना तो छोड़ो, नॉर्मली किसी को आ जाए वो मूतना मुश्किल है। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, फिर भी लोग पूछते हैं कि यार मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, क्या किया? ये जो रोज 15-20 दिन से पेट्रोल और डीजल के रेट घपा घप बढ़ाते जा रहे हैं, किस लिए? देश के लिए। भाई इतना जो पैसा आ रहा है कहाँ जाएगा? देश के विकास के लिए। लेकिन फिर भी कुछ नालायक लोग मोदी जी से सवाल करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कोई भी राष्ट्रवादी आदमी, किसी भी राष्ट्रवादी इंसान ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये सारी बदमाशी सिर्फ चमचे वामी कामी अरबन नक्सल इन्हीं लोगों का काम है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, किसी के बहकावे पे मत आओ, आप पेट्रोल डीजल के रेट घपा घप बढ़ाते रहो, पूरा देश आपके साथ है, बढ़ाते रहो। जिस तरीके से आपने चाइना को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, उसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा करके जितने भी वामी कामी दुष्ट देशद्रोही चमचे हैं ना, सबको घुटने टेकने पे मजबूर करो। आप बढ़ाते रहो पेट्रोल और डीजल के रेट बार बार, और हर बार मोदी सरकार, बस अब तो पैदल ही निकल लूं सोच रहा हूँ। फिर बढ़ गया रेट अभी, ओ फिर अरे यार, पहले तो एक एक दिन में बढ़ रहे थे, अब एक एक घंटे में बढ़ रहे हैं। मैं निकल गया, बस बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।